केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। वकील अभिषेक मनु सिंघवी बोले, बस जेल में रखे रहने के लिए गिरफ्तारी, सीबीआई की दलील, जमानत देना सही नहीं, ये हवाला का मामला। हरियाणा में पहली लिस्ट के बाद बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी, विधायक लक्ष्मण नापा के बाद अब कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का मंत्री पद से इस्तीफा, रानिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति को लेकर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर डायरेक्ट अटैक, महाराष्ट्र के सांगली में बोले, प्रधानमंत्री को सिर्फ शिवाजी महाराज से ही नहीं, महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से मांगनी चाहिए माफी। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर गरमाई राजनीति, अखिलेश यादव बोले, जाति देखकर ली गई जान, दूसरे आरोपियों के पैरों में दिखावटी गोली मारी, योगी का पलटवार, कुछ लोगों की जाति के नाम पर बांटने की कोशिश। हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद पर बवाल, शिमला के संजौली में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, कांग्रेस सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी अवैध मस्जिद गिराने की मांग को लेकर धरने पर। लखनऊ में आज फिर शिक्षक अभ्यर्थियों का हल्ला बोल, कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के घर के बाहर जमकर नारेबाजी, राजभर ने अभ्यर्थियों की मांग पूरी करने का दिया आश्वासन। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, पहली बार समझौते के लिए तैयार, बोले भारत, चीन और ब्राजील कर सकते हैं यूक्रेन से शांति वार्ता की मध्यस्थता। पंजाब में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, भगवंत मान सरकार ने वेट बढ़ाया, पेट्रोल पर 61 पैसे और डीजल पर 92 पैसे प्रति लीटर का इजाफा, 600 यूनिट बिजली के ऊपर मिल रही सब्सिडी भी वापस।